ऊपर से है शक्ति इसमें अंदर से है नरमी, पत्थर दिल भी पिघले आखिर बाद में ऐसी गर्मी। आन बान से जीने वाले दुखियों की है जान, सपने में भी दिख जाए तो जालिम हो परेशान। जीवन की मर्यादा ताई जीवन की शान, ताई जीवन की मर्यादा ताई जीवन की शान। एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान, एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान। ताई 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 अरे मनोज, तेरी शरारतें गई नहीं हाँ? ये क्या कर रहा है? अरे बोलता क्यों नहीं, जवान पे ताला लगा है क्या? अरे अरे क्या हुआ मेरे बेटे को हाँ? बात बता क्या हुआ बता। ताई मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? ताई माँ से लोग फेल कर देते हैं तो फिर बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? उल्टे घर पे मार पिटती है, बाबूजी कहते हैं मुर्गा बन जा, माँ कहती है इसने तो हमारी नाक कटा दी। तो तेरे बाबूजी ने तुझे मुर्गा बनाया है? हाँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा था तो बाबूजी ने कहा मुर्गा बन जा, अगर मेरे लौटे तक खिला तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा बेटा तू मेरे साथ चल, पहले मैं तेरी बात सुनूंगी फिर तेरे बाबूजी की बात सुनूंगी। हाँ ऐसे नहीं रहते, आजा मेरे बेटा आजा। बातों से डरना कोई चाहिए, पढ़ाई तो अच्छे बच्चे करते ही है ना, बड़ा आदमी बनेगा है ना। अरे सेंटर खुलने का कितना फायदा हो गया देख लो, हम लोग कितना पढ़ना सीख गए, नहीं तो अंगूठा टेप से कुछ तो सीखा। और यहां से साफ किताब भी नहीं। बाबू जी भाई, मनोज बेटे का मुंह हाथ धुला के से पानी पिला दो। आओ मनोज। रानी तेरा बेटा किस जमात में है? छठी जमात में ताई। पास हो गया? क्या बताऊं ताई, हर साल पास कराई देनी पड़ती है। पांचवी तक तो 10-20 से काम चल जाता था, मिडिल में तो 100 रुपए मांगते हैं। क्या पास कराने के लिए घूस देनी पड़ती है? अब चाहे उसे जो नाम दो ताई, बात तो वही है। अच्छा एक बात, तू तो इतना होशियार है फिर बार बार फेल क्यों हो जाता है? ताई मास्टर लोग कभी क्लास में आते ही नहीं, कभी आ भी जाते हैं तो किसी बच्चे से कह देते हैं पाठ पढ़ दो, वह पाठ पढ़ देता है, दूसरे बच्चे सुन लेते हैं, बस लो हो गई पढ़ाई। तो जब कुछ समझ नहीं आता तो सवाल नहीं पूछ सकता? सवाल पूछने पर कहते हैं रोटी नहीं खा कर आए क्या, दिमाग में जंग लग गया है, फिर भी कोई कुछ पूछ लेता है तो जवाब के बजाय थप्पड़ मिलता है। लेकिन गांव के और बच्चे कैसे पास होते हैं? कोई तो टीचर के घर सब्जी पहुंचाता है और कोई तो उनके गाय भैंसों की सानी पानी भी कर देता है। ये गुरु है, हमारे यहाँ गुरु का दर्जा भगवान से बढ़कर माना गया था। अरे ये कहा जाता था कि वो लोक और परलोक दोनों सुधारते हैं, पर लोग सुधारेंगे ये तो इस लोक को भी बिगाड़ देंगे। सलमा बेटी तू स्कूल जा और पता करके आ कि मनोज बेटे की बात में कितनी सच्चाई है। जी ताई। रानी भाभी तुम भी चलो ना। चलो। कबड्डी
हाँ बता अरे तो तुम इस वक्त पढ़ाई के वक्त कबड्डी क्यों खेल रहे हो? क्या करे, मास्टर जी नहीं आए थे, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था इसलिए कबड्डी खेलने लग गए। अरे एक मास्टर जी नहीं आए तो दूसरे तो आए होंगे। एक मास्टर आए वो अंदर बैठे हुए। जाओ बेटा मास्टर जी को बुला लाओ। मास्टर जी आपको बाहर बुला रहे हैं। बच्चे चलो भागो यहाँ से चलो। नमस्ते नमस्ते मास्टर जी। आप लोग? मेरा बच्चा यहीं पढ़ता है, हम लोग इधर से गुजर रहे थे सोचा स्कूल होती है। मास्टर जी यहाँ तो अजीब ही रंग रंग दिख रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ हो नहीं रही और बच्चे अलग हुल्लड़बाजी में लगे। अब हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तीन मास्टर हैं, अब केवल मैं आया हूँ, हेडमास्टर साहब तक नहीं आए हैं। अब मैं कोई जादू मंत्र तो जानता नहीं कि अपने 10 रूप बना लूं तो सारी क्लासों में पढ़ाने लगूं। जब मास्टर लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे, और वो लोग आए क्यों नहीं? अब मैं क्या बताऊं, उन्हीं लोगों से जाकर पूछो ना, कोई गन्ना लदवा कर मिल पहुंचाने गया होगा, कोई गाय गाभिन करवाने मवेशी अस्पताल गया होगा, सबके अपने अपने काम हैं। सबके अपने अपने काम हैं, उन्हें अपने गन्ने की फिक्र है लेकिन बच्चों की नहीं। फसल खराब हो जाए तो कुछ रुपयों का ही तो नुकसान होगा, लेकिन अगर ये फसल बिगड़ गई तो कितनी तबाही होगी इसका एहसास किसी को नहीं है। चुप क्यों है मास्टर जी, बताइए ना क्या सिखा रहे हैं आप मेरे बच्चे को, क्या फायदा हो रहा है उसका? अब मुझे क्या पता, फायदा नुकसान तुम ही जानो। मुझे तो नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, मेरा बच्चा कल से नहीं आएगा इधर। चल सलमा। ताई गांव के सारे मर्द ताड़ीबाज होते जा रहे हैं, कुछ करो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों, तेरा मर्द तेरे काबू में नहीं है क्या? अरे कहां ताई, वो मेरी कहां सुनता है, इस कान से सुनता है तो उस कान से निकालता है, खुद को घर का मालिक और मुख्तार समझता है, मेरी सुनता ही कहां है। तुम तो जानती ही हो कि ये मर्द लोग शुरू से ही अपनी हुकूमत चलाते आए हैं। कब बदलेगी तुम लोगों की सोच, आजकल औरतें जहाज चला रही हैं, फौज में भर्ती हो रही हैं, यहाँ तक कि देश भी चला रही हैं, और तुम लोग अपने को अभी तक मर्द की जूती समझ रही हो। तो क्या करें ताई? आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी, बड़ी देर कर दी। ताई स्कूल का हाल तो बस पूछो ही मत, ऐसे स्कूल से तो खुदा ही बचाए। क्यों, क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? बता सलमा। क्या बताओ ताई, वहाँ बच्चों से ज्यादा मास्टरों को गन्ने और गाय की फिक्र है। आओ आओ मास्टर, अच्छे बखत पे आए। क्या बातें हो रही है भी? अरे ये दोनों कैसे तमतमाई हुई लग रही हैं? मैंने इन दोनों को स्कूल भेजा था, वहाँ से जब से लौटी है बौखलाई हुई है। वहाँ की हालत मुझे मालूम, क्या किया जाए, हर तरफ गैर जिम्मेदारी का आलम है। तुम तो जानते ही हो गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, और जो एक आध भेज भी देता है तो चार अक्षर पढ़ाने वाला वहाँ नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकते मास्टर। तुम कहती हो तो मैं 8-10 बच्चों को पढ़ा दूँ, लेकिन उससे होगा क्या, ये सैकड़ों बच्चों की जिंदगी का सवाल है, साल दर साल का सवाल है। तो क्या करें मास्टर जी, हर साल पैसे देकर बच्चों को पास कराते रहे या पढ़ाई की बजाय मास्टरों के घर की चाकरी करवाएं। भाई ये मेरा मतलब नहीं था, जहाँ मर्ज है वहीं इलाज कराना होगा। तुम हेडमास्टर से बात करके देखो, शायद कुछ बात बन जाए, कोई रास्ता निकल आए। अरे पीले हरी रात मेरी शाम चचा, पीले हरी रात मेरी शाम चचा, एक चमचा उनकी सासू ने ले लिया,
एक चमचा उनकी सासु ने ले लिया। भीतर से कूद पड़ी चचा मेरी शाम चचा, भीतर से कूदा उसका बच्चा मेरी शाम चचा। बहुत अच्छा। अरे सुमेर भैया का छोटा बेटा कितना सुंदर है ना, देखा है ना? हाँ, गोल मटोल नरम नरम गुलाब। अरे मैं तो भगवान से यही विनती करूं, ये बच्चे बड़े होकर खूब पढ़े लिखे। इस बात को भूल जाओ ताई, इस गांव में तो ये सपना वही देखे जिसकी गांठ में माल हो और जो शहर में बच्चों को भेजकर पढ़ा लिखा सके। बच्चों को आवारा बनाना हो तो यहाँ के स्कूल में भेजो। अरे यहाँ के स्कूलों में बच्चों को भेजने से तो अच्छा है कि उन्हें खेतों पे भेजा जाए, उन्हें खेती बाड़ी का काम सिखाया जाए ताकि वो बड़े होकर के चार पैसे कमाने लायक तो रहे। ऐसा क्यों सोचती हूँ, स्कूल में कोई कमी है तो उसे दूर करने की सोचो, बच्चों को पढ़ाई से अलग करने की क्यों सोचती? बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े लिखे लोग मारे मारे फिरते हैं, फिर इस स्कूल के लोगों को कौन पूछेगा? अरे स्कूल की कमी हमारे दूर करने से होगी क्या? अरे गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट के करने से ही कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट भी तो हम ही और तुम ही तो बनाते हैं, और कौन बनाता है? लेकिन दाई गवर्नमेंट नहीं सुनते हमारी और तुम्हारी बातें। हाँ। अरे सुनेगी तो जब हम कुछ कहेंगे। लो दाई चाय लो। भाई मैं तो ठहरी अंगूठा छाप, हमारे बस की तो कुछ भी ना है। हाँ अगर तुम्हारे बस की कुछ है तो तुम ही कुछ करो, इस बहाने से हमारे बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। हाँ ताई सुखिया ठीक कहती है। ठीक है मैं ही कुछ करके दिखाऊंगी। राम राम ताई। राम राम। खुश रहे। तेरे पिताजी घर पे हैं? हैं। बाबूजी देखिए कौन आया है। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। आप ताई है ना, शिक्षा सेंटर वाले? आपने कैसे पहचाना? गांव की एक शादी में देखा था, वहीं किसी ने आपके बारे में बताया था। खैर बताइए कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। मास्टर जी स्कूल में ये क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार आपको पढ़ाने के पैसे देती है या छुट्टी मनाने के? जरा लहजा ठीक कीजिए, हम जानते हैं कि सरकार हमें किस लिए पैसे देती है। जानते तो ये अंधेर न मचाते, मास्टर लोग पढ़ाने नहीं तफरी करने जाते हैं। अरे आपने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, हमने सोचा क्या और हुआ क्या? बच्चे स्कूल में कविताओं की जगह गालियां सीखते हैं, उनके हाथों में किताबों की जगह कंचे आ गए हैं। हेडमास्टर जी किसने बना दिया आपको मास्टर? ताई आप बड़बड़ किए जा रही हैं और मैं सुने जा रहा हूँ, हमें मास्टर किसने बनाया ये जाकर सरकार से पूछिए। सरकार से क्यों पूछूं, आपसे क्यों नहीं पूछूं? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जवाब हमको ही देना है। और मैं कह देती हूँ या तो सुधर जाइए या बोरिया बिस्तर बांध के रवाना हो जाइए, हमें नहीं चाहिए ऐसे मास्टर। बस ताई बस, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं जो तुम्हारा कहना मानूं। बड़ी आई है ताना देने वाली, यहां चार महीने से तनख्वाह नहीं मिली फिर भी इस स्कूल को नहीं छोड़ा, कोई है जो हमारा हाल समझता हो? तनख्वाह नहीं मिली तो बच्चों का जीवन बर्बाद करोगे, गलती कोई और करे सजा किसी और को मिले। अरे शर्म करो मास्टर, शर्म करो, काम चोरी के बहाने मत ढूंढो। मैं जा रही हूँ लेकिन कह देती हूँ कि आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे, नहीं तो मैं स्कूल में ताला पड़वा दूंगी। जाइए जाइए, बड़े देखे हैं ताला लगवाने वाले। बच्चे स्कूल में कविताओं की जगह गालियां सीखते हैं, उनके हाथों में किताबों की जगह कंचे आ गए हैं। हेडमास्टर जी किसने बना दिया आपको मास्टर?
आप अकेले? श्रीवास्तव साहब नहीं आए? हफ्ते भर से मलेरिया ने लिटा रखा है, अभी बिस्तर से उठने में 3-4 दिन और लगेंगे। ये शरवण जी भी नहीं आए? इनको मीटिंग के बारे में बता तो दिया था ना? हाँ, मीटिंग की सूचना तो मैंने दे दी थी, बस आते ही होंगे। पर ये अचानक मीटिंग किस लिए? सुबह सुबह एक औरत से झड़प हो गई। किससे? अरे वो ताई है ना, शिक्षा सेंटर वाली। आजकल वो बहुत उड़ने लगी है और किसी के फटे में टांग अड़ाती फिरती है। पर आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सोच में जरूर हूँ। हाँ, क्या कह रही थी वो? आप लोगों की शिकायत लेकर आई थी, जो जी में आया कह गई। ये सब तो यहाँ पर होता ही रहता है। वो कह रही थी कि हम बच्चों को चौपट कर रहे हैं, अरे उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। बड़ी देर कर दी? चला तो समय से था, पर वो साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। हाँ तो मैं कह रहा था कि उस ताई ने काफी खरी खोटी सुनाई। पहले तो बहुत बुरा लगा मुझे, पर बाद में जब ठंडे दिमाग से सोचा तो महसूस हुआ कि उसकी बातें कड़वी जरूर हैं, पर उनमें सच्चाई भी है। आपने उसे यहाँ की दिक्कतों के बारे में बताया? तनख्वाह तक के तो लाले पड़े हुए हैं। ये सब तो छोटी बातें हैं, इमारत की हालत देखी, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, क्लासें बाहर लगानी पड़ती हैं, बरसात में कहाँ ले जाए, और अगर छत चरमरा के गिर गई तो क्या होगा? अरे हमारे बैठने के लिए कायदे की कुर्सियां तक तो है नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमारी कोई गलती नहीं है? क्या हम काम चोरी नहीं कर रहे? हेडमास्टर साहब, आपने हमें काम चोर तो बोल दिया, लेकिन ये सोचा कि काम करने के लिए एक माहौल होना जरूरी है। हम लोगों ने कितनी लिखा पढ़ी करी, और ऊपर वालों के कान पे जूतक नहीं रहेंगी, फिर हमारा दिल भी टूट गया। हाँ, आप तो सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया। बात केवल हमारी होती तो मैं आप लोगों के साथ होता, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? जिंदगी तो इनकी बर्बाद हो रही है, भविष्य तो इनका बिगड़ रहा है। बात तो आपकी ठीक है हेडमास्टर साहब, पर जिनके बच्चे हैं वो तो बस हमें कोसते हैं, उन्हें भी तो हमारी दिक्कतें समझनी चाहिए। ठीक है, आप लोग चलिए, मैं गांव वालों से बात करता हूँ। और जोर से, ऐसे जीती रहे बेटी। मैंने कहा अधिक दौड़ धूप मत करो, अब पहले जैसी उम्र नहीं रही तुम्हारी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, गलत बात बिल्कुल नहीं सही जाती। अब क्या हुआ ताई, ये क्या सरदर्द ले बैठी है तू? बस कर बेटी, बस कर। अरे स्कूल में क्या अंधेर मचा रखा है, और मास्टर लोगों से कुछ कहो तो आंखें दिखाते हैं। हेडमास्टर जी के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने? कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं इन सबको सीधा करके छोड़ूंगी मास्टर। शांत रहो, वरना सर का दर्द बढ़ जाएगा। मास्टर से लड़ने झगड़ने से क्या बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। हाँ, कह रहा था 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। क्या तुम इसे मामूली बात समझ रही हो? एक दिन घर में चूल्हा नहीं जले तो कोहराम मच जाता है, जरा उनकी सोचो, उन बेचारों का क्या होगा? तो नौकरी छोड़ दें, लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि काम पर भी बने रहें और काम भी ना करें। अगर हालात ऐसे हो तो काम करना आसान नहीं होता। तुमने तो बड़े आराम से कह दिया कि नौकरी छोड़ दें। अरे नौकरी छोड़ना इतना आसान है क्या? मास्टर लोग भी हार्ड मास के बने हुए हैं, उनकी भी जरूरतें हैं, उनके बच्चे हैं, परिवार है। एक टीचर को तनख्वाह ही क्या मिलती है, और वो मुट्ठी भर रुपए 4-4 महीने नहीं मिलेंगे तो उनके दिलों पे क्या बीतेगी? ऐसी हालत में वो क्या करेंगे, काम चोरी, बेईमानी? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई कोई रास्ता निकालना है तो ठंडे दिमाग से सोचो। आइए आइए मास्टर जी। आइए, प्रणाम मास्टर जी। जी तरह बैठिए बैठिए। धन्यवाद। कैसे दर्शन दिए? आज सुबह न जाने मैं क्या क्या कह गया, उस सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नोक छोक में तो ऐसा हो ही जाता है, मैंने भी तो पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया था। बाद में जब ठंडे दिमाग से सोचा तो महसूस किया कि आपकी बातें चुपती जरूर हैं, पर उनमें सच्चाई है। मैंने अपने टीचर से भी बात की, वे चाहते हैं कि सुधार हो, लेकिन लेकिन उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं। जी, ताई ने बताया था
आप हमारे दुश्मन नहीं है मास्टर साहब, हमने अपने बच्चे आपको सौंपे हैं। हमें बताइए, आपकी परेशानियां हमारी परेशानियां हैं। जरूर बताऊंगा, शायद हम सबके लिए ही अच्छा हो। ताई, बहुत देर हो गई, हमें अंदर क्यों नहीं बुला रहे? क्यों भैया, तुमने अपने साहब को हम लोगों के बारे में बता दिया है ना? बता दिया जी। ताई, वो अर्जी का है जिसमें हमने गांव वालों से दस्तखत लिए थे। सरपंच जी, वो मेरे पास है। मास्टर जी आपको साहब बुला रहे हैं। चल। नमस्ते साहब। नमस्कार, आइए बैठिए। बैठिए, राम राम। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम तो मीरपुर से। हाँ कहिए। जी साहब, असल बात यह है कि हमारे गांव में एक बेसिक विद्यालय है, और विद्यालय का उसे तो विद्यालय का मरा हुआ ढांचा ही समझिए बस। उसकी दुर्दशा देखकर हमारी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आप लोग शिकायत की कोई अर्जी लाए? जी पहले इनकी पूरी बात सुन लीजिए। सरपंच जी ने जो कुछ कहा है वो केवल मामले का एक पहलू है। हमें वहाँ की दुर्दशा देखकर बहुत अफसोस होता है, और उससे अधिक दुख मास्टरों की बदहाली देखकर होता है। ऐसा कौन सा दुख है उन्हें? उन्हें 4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। कहावत है ना, उनके भजन ना हो गोपाला। मैं भी मास्टर रहा हूँ और मास्टरों की हालत जानता हूँ। और साहब, स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि भूखे पेट कभी ज्ञान की बातें नहीं हो सकती। आपकी बात 16 आने सच है, मैं अभी पता लगाता हूँ। जरा श्रीवास्तव साहब से मीरपुर ब्लॉक स्कूल की फाइल लेकर आओ। आप लोग भरोसा रखिए, अगर आपकी बात सही है मैं खुद आकर के वेतन बटवाऊंगा। आप लोग वापस कब लौट रहे हैं? जी आज शाम 6 बजे। सर ये अर्जी हम लाए थे, इसे देख लीजिए। ठीक है, आप लोग चले, मैं ब्लॉक के दौरे पर आऊंगा और आपके गांव में भी आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप आइएगा जरूर, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। एक बच्चे ने तो स्कूल जाने से साफ साफ मना कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर आऊंगा और उस बच्चे से भी मिलूंगा। साहब एक निवेदन और। हाँ कहिए। साहब 2-3 महीनों में एक दौरा तो हमारे गाँव के स्कूल में हो ही जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, अधिकारी अगर जमाई लेते हैं तो कर्मचारी लंबी तान कर सो जाते हैं। साहब कुछ तो कर्मचारियों पर लगाम कसी रहनी चाहिए। बेफिक्र रहिए, मुझे जमाई नहीं आती। हाँ तो मास्टर जी, बातचीत शुरू की जाए या फिर ताई का इंतजार किया जाए? सरपंच जी आप सबके सामने अपनी बात रख ही दें, क्योंकि ताई तो आती ही होगी। ताई है कहाँ? स्कूल से संदेश आया है, शहर से अफसर आए हुए हैं, इसीलिए ताई वही है। और आप सब लोगों को मैंने एक विशेष कारण से यहाँ बुलाया है। वो तो हम संदेशा मिलते ही समझ गए थे सरपंच जी। देखिए, गांव के बच्चों के हाथ में ये पढ़ने लिखने की उम्र में अगर कुदाल और खुरपा दे दिया जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो और क्या करें सरपंच जी, इस स्कूल में भेजकर बच्चे की जिंदगी खराब करें क्या? यहाँ पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं। सरपंच जी, लड़के स्कूल जाकर बिगड़े, इससे तो अच्छा है खेती के कुछ हुनर सीखे, आगे जाके उनके कुछ काम तो आएगा। हाँ सिखाओ, जरूर सिखाओ। तुम अपने बच्चों को खेती बाड़ी मवेशी पालन के गुर सिखाओ, तुम्हें कौन रोकता है। लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई तो मत रुकवाओ। राम राम। राम राम। मेहमान आए हैं। ये ताई के साथ एक तो स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं, तो ये दूसरे कौन हैं? वो, अरे वो जिले से आए अफसर हैं। अच्छा। हाँ तो मैं कह रहा था, गांव के बच्चे पढ़ने जाएंगे तो सब काम एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, यानी कि खेती बाड़ी भी एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। खेती के नए नए तरीके आ रहे, तरह तरह की खादे आ रही, धानियां बन रही, पहले जैसा वक्त तो अब रहा नहीं।
गांव-गांव में बिजली आ गई, टेलीविजन आ गया, कल को इंटरनेट आ जाएगा। अब तुम ही बताओ अनपढ़ बच्चा क्या कर लेगा। मास्टर जी इंटरमेंट क्या होता है? इंटरमेंट नहीं, इंटरनेट। साहब अब आप ही बताइए, घर वालों से झगड़ा करके मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, पर फायदा क्या हुआ जब मास्टर लोग स्कूल ही नहीं आते। नहीं नहीं अब ऐसा नहीं होगा, ये हमारा वायदा है, अब आपको हमारे से कोई परेशानी नहीं होगी। आपने हमारी तकलीफ को समझा है तो हम भी ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके बच्चों को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब भी आप लोगों को कोई शिकायत हो तो आप सरपंच जी से कहिए, ताई जी से कहिए, वो आपकी बात हम तक पहुंचाएंगे, या फिर सीधे आप हमसे संपर्क करें जिससे हम फौरन कार्रवाई करेंगे। तो अब क्या कहते हो तुम लोग? कहना क्या है ताई, मैं कल फिर से अपने बिटुआ को स्कूल भेज दूंगी। क्यों बेटा, अब तुम क्या कहते हो? जी हाँ, मैं भी कल से रोज स्कूल जाऊंगा, फिर मुर्गा बनने से भी तो बचेगा।